आज हम लोगों ने गोपेश्वर कॉलेज ग्राउंड को साफ करने और ट्रिक को सुधारने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो काम शुरू है। जल्दी जल्दी आज बताएंगे कि क्या क्या बना है ट्रिक में और क्या क्या बनने वाला है, सब को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हमारे पवन जी हैं जो कि मनी छापर से बिलोंग करते हैं और ये हल्का सा साइड से ट्रैक को बना रहे हैं और द्वार हैं। सूरज जी जो कि साइड से बना रहे हैं ट्रैक को और इसके बाद चल रहे हैं। इनका नाम चंदन है और ये मनीष छापर से बिलोंग करते हैं और रवि जी के पास चलते हैं। बहुत मेहनत किया है ट्रिक को सुधारने के लिए। अब चलते हैं पवन और करण दोनों झाड़ू लगा रहे हैं इसको साफ करने के लिए। फिर चलते हैं अब पूर्व और उत्तर साइड के कोन मारते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका था ग्राउंड के मतलब ट्रैक के बीच में है, तो इसको भरा जा रहा है। करण और सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सूरज जी माटी फेंक रहे हैं और रवि बराबर करेंगे। इसमें बहुत मेहनत हो रहा है। दिन के दो बज रहे हैं, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब ट्रैक का मुआयना किया जाएगा। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ काम हुआ है और यहाँ आ गए हम लोग गोल्ड कोस्ट के क्रॉस किए और फिर यहाँ पर भी पहले का माटी निकाला गया था उसी का ये गड्ढा है साइड। और फिर हम लोग आ गए इस साइड स्कूल साइड में और यहाँ पे भी थोड़ा सा काम हुआ है, देखिए आप लोग, और अच्छे से काम हुआ। चलिए सब काम फिनिशिंग सफाई भी हो गया और हम रनिंग करने जाएंगे। इस एक्सरसाइज से हमारी थाई मजबूत होती है और पैरों में जो खिंचाव होता है दर्द होता है करने में अच्छा हो जाता है और इससे बहुत ही फायदेमंद ये एक्सरसाइज है। इसके बाद अगला एक्सरसाइज इससे भी थाई की मजबूती होती है और आप हल्का पैर खोल कर एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये है सीट अप जिससे हमारे कमर और पेट दोनों मजबूत होता है। ये एक्सरसाइज बहुत ही फायदेमंद है, पूरे शरीर स्ट्रेच होता है। और ये हम स्पार्क लगाएंगे और ये ज़्यादा नहीं 10 से 15 आप लगा सकते हैं, इससे बीम ज़्यादा हो सकती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये लास्ट है।